आइए मैं आपको सिखाऊं एक एडवांस स्ट्रक्चर जो यूट्यूब पर नहीं है। क्या आपको मालूम है गेटिंग ऑन फा क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए गेटिंग ऑन फा। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। गेटिंग ऑन फा एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम किसी की उम्र बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह 16 साल का हो रहा है या वो 20 साल का हो रहा है, वह 13 साल की हो रही है, तो इस तरह के सेंटेंसेस, वह 20 साल का हो रहा है, वह 16 साल का हो रहा है या वह 40 साल का हो रहा है को बोलने के लिए आप गेटिंग ऑन फॉर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस टॉपिक को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो वह 20 साल का हो रहा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज गेटिंग ऑन फॉर 20, यानी वह 20 साल का हो रहा है। वह 60 वर्ष की हो रही है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज गेटिंग ऑन फॉर 60, यानी वह 60 वर्ष की हो रही है। वह 10 साल की हो रही है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज गेटिंग ऑन फॉर 10, यानी वह 10 साल की हो रही है। अगर आपके सेंटेंसेस इस तरह के हों, जैसे राधा की उम्र 16 साल की है, रेखा की उम्र 20 साल की है या यह बच्चा 6 महीने का है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी आप इस टॉपिक से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह बच्चा 6 महीने का है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस चाइल्ड इज गेटिंग ऑन फॉर 6 months, यानी ये बच्चा 6 साल का है। अगर आपको कहना हो राधा 14 साल की है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे राधा इज गेटिंग ऑन फॉर 14, यानी राधा 14 साल की है। अगर आपको कहना हो इस लड़के की उम्र 20 साल है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस बॉय इज गेटिंग ऑन फॉर 20, यानी इस लड़के की उम्र 20 साल है। इस सेंटेंस का ये भी मीनिंग हो सकता है यह लड़का 20 साल का हो रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि गेटिंग ऑन फॉर क्या है। अगर वाकई आपने इस टॉपिक को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए।